अब कॉलोनी की मामले की बात आ रहा है, आज हमारे मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो हम इस कॉलोनी को 478 या इतना कॉलोनी को मैंने इसको पास करूंगा। चलिए उन्होंने संसद में भी पेश किया, राज्यसभा में पेश किया। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो मुँह से बोलने से और ऐसे दिखावा करने से, रामलीला मैदान में बोलने से नहीं होगा उसको। मतलब अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आज 15 साल से कांग्रेस यही लाई लपेट करता रहा। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री जी ने वो भी मतलब ऐसे ही मतलब अभी 5 साल निकाल दिया उन्होंने, काम उन्होंने अच्छा किया। लेकिन जो काम एक मतलब ये बात अभी जो आई है लोगों को नज़र में जहान में, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है, जो दिल्ली से जीतना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्री मतलब लोगों को करवाइए। अभी आपके पास 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम है, लोगों को ये लगेगा जो मतलब लोगों को ये लगेगा जो हाँ मतलब प्रधानमंत्री जी ने सही किया और लोगों को जो वादा किया उन्होंने पूरा कर रहा है। यानी कहने वाला रजिस्ट्री मतलब खुलेआम को जो भाई रजिस्ट्री, एक तो उसके भाई दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को उसका मतलब देखिए रियलिटी आएगा, काफ़ी पैसे मिलेगा। 20 लोगों को रजिस्ट्री दिया है कल और बोला है कि और बढ़ेगा संख्या, इसका बढ़ेगा, तो भाजपा आपको क्या लगता है नहीं इसमें? मैं आपको बताऊँ चालबाजी है, 20 आदमी क्या मतलब, वो तो खुलेआम कर दे जो मतलब आप सब जाइए। हेलो, अब पैसे भी तो चाहिए लोगों को यार, 40-30 हज़ार 50 हज़ार से कम नहीं लेगा एक रजिस्ट्री में। या तो है ना जो 2000 रुपये दीजिए आप रजिस्ट्री कराइए, ऐसा तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ फ्री कर दे, बिल्कुल लिखित में दे दे जो हाँ भाई मैंने कहा आप रजिस्ट्री कराओ। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाऊँ तो ये नहीं कहे जो नहीं रजिस्ट्री नहीं होगा, रजिस्ट्री होगा जी। आप चाहे 6 महीना में करावे, 5 साल में करावे, रजिस्ट्री हो जाए, हो गया, चालू हो गया, तब लोगों को विश्वास होगा। ऐसे नहीं होगा जो अपने अपने आदमी को 20, मैं भी अपने 20 आदमी करा देता हूँ, हैं उससे क्या हो जाएगा मतलब। पूरे पूरे लोगों को ये जहान में बैठ जाना चाहिए जो मतलब प्रधानमंत्री जी ने रजिस्ट्री खोल दिया तो केजरीवाल साहब का मुँह बंद हो जाएगा, यानी वो कह ही नहीं सकता जी भाई तुमने नहीं करा। ठीक है, तो एक तो देखिए अगर केजरीवाल साहब को रोकना है उनको तो ये काम पहले करे, अभी तुरंत अर्जेंट में करे। मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ